नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लद्दाख स्थित भारत चीन सीमा पर पेंगोंग झील के बारे में, जहां पर दो माह में 83,000 सैलानी पहुंचे हैं। इन दिनों यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। सर्दी के 6 माह तक बर्फ जमने से यहाँ पर्यटन बंद रहता है। कोरोना काल के बाद यहाँ रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। इस साल अब तक 90,000 पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं, यह एक रिकॉर्ड है। इनमें से 83,000 तो अकेले अप्रैल मई में पेंगोंग देखने आए। स्थिति ये हो गई है कि लद्दाख के पर्यटन विभाग ने सभी यात्रियों से लद्दाख में ठहरने के लिए, खासकर पेंगोंग झील क्षेत्र में घूमने के लिए पहले से ही बुकिंग कराने के लिए कहा है। लेह में रोजाना औसतन 2,500 से 3,000 पर्यटक पहुँच रहे हैं। सभी होटलों में 90 से 100 बुकिंग है। भीड़ मई से शुरू हुई, जो लद्दाख में पर्यटन के चरम मौसम की शुरुआत है। लेह से लगभग 222 किलोमीटर दूर पेंगोंग झील स्थित है। 6 माह बर्फ जमने से यहां पर्यटन बंद रहता है। कोरोना काल के बाद यहां पर रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। पहले 50 पर्यटक औसतन रोज आए थे बीते साल पेंगोंग लेक देखने के लिए। इस बार ये संख्या 50 गुना तक पहुंच चुकी है।